दोस्तों आज हम आपको दिखाएंगे कि चिवड़ा यानी कि पौवा, जो गुजरात में महाराष्ट्र में पौवा बोला जाता है, उसको कैसे कूटा जाता है। पौवा तैयार करने के लिए कच्चा धान इस्तेमाल किया जाता है। ये एकदम फ्रेश धान है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। अब इस कच्चे धान को पौवा बनाने के लिए इसे एक मशीन में गर्म किया जाएगा। ये है वो मशीन जिसमें थोड़ा थोड़ा धान डाल के इसे गर्म किया जाता है और आगे फंसे हुए इस बर्तन जैसी चीज़ से उसे वापस भी निकाल लिया जाता है। इस तरह की है ये भट्टी जिसमें गोल बर्तन जैसी मशीन को आँच दी जाती है और इसमें इस्तेमाल होने वाली भूसी आप आगे देखेंगे वीडियो में कि वो कैसे तैयार होती है। ये है वो गर्म किया हुआ धान जिसे हम आगे पौवा बनाने वाली मेन मशीन में डालेंगे। चलिए आगे की प्रोसेस देखते हैं। ये है वो मेन मशीन जिसमें गर्म धान को डाला जाता है। इसमें चपटी गोल चीज जो दिख रही है उसी से धान को पौवा का शेप मिलता है। ध्यान रखिए कि धान में से यानी कि चावल में से जब पौवा बनाना हो तो उसे कच्चा होना जरूरी है। रेडी हो चुके हुए पौवा को छन्ने की मदद से साफ करके अलग कर लिया जाता है और ये हमारा पौवा रेडी हो जाता है। बची हुई भूसी इस तरह इकट्ठा कर ली जाती है। बाद में इसी भूसी का इस्तेमाल करके कच्चे धान को गर्म किया जाता है। इस मशीन को डीजल इंजन से चलाया जा रहा है। देखिए कितनी आसानी से मशीन को बिना रोके पौवा को अलग कर लिया जाता है। साथ ही साथ दूसरा गर्म किया हुआ धान भी इसमें डाला जाएगा। इस तरह साफ करने के बाद अब हमारा पौवा रेडी हो चुका है। ये देखिए फाइनल पौवा इतना साफ और व्यवस्थित दिख रहा है। अगर आपको पौवा बनाने की ये प्रोसेस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।